प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। झारखंड के गुमला और लोहरदगा जिले के पुलिस भाकपा माओवादी 15 लाख रुपए के इनामी जोनल कमांडर रविंदर गंजो को पकड़ने और मुठभेड़ में मार गिराने के लिए 3 दिन तक ऑपरेशन चलाती रही, लेकिन जंगल पहाड़ और भौगोलिक बनावट का फायदा उठाकर रविंदर गंजू भागने में सफल रहा। रविंदर गंजू के भागने के बाद एक बार फिर पुलिस उसके ठिकाने की तलाश में जुट गई है। 3 दिनों तक जुड़वानी केराकोना तंद्रू जंगल में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल सुरक्षा बल गुमला और लोहरदगा जिले की पुलिस सफलता नहीं मिलने से वापस लौट गई। भाकपा माओवादी के रीजनल सदस्य 15 लाख रुपये के इनामी बुद्धेश्वर उरांव के कुछ माह पहले मुठभेड़ में मारे जाने के बाद जोनल कमांडर रविंद्र गंजू क्षेत्र में आतंक मचा रहा है। रविंद्र का इलाका लोहरदगा जिला है, लेकिन लोहरदगा के अलावा गुमला जिले में भी वह घुसकर नक्सली घटनाओं को अंजाम देता रहा है। कई बार लातेहार जिले के सीमावर्ती इलाके में भी घुसकर वह कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इसलिए गुमला लोहरदगा और लातेहार जिले की पुलिस रविंद्र गंजू को पकड़ने और मुठभेड़ में मार गिराने के प्रयास में लगी है, लेकिन शातिर नक्सली रविंद्र गंजू हर समय पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। गुमला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अभियान एसपी मनीष कुमार के नेतृत्व में कोबरा झारखंड जगुआर एवं जिला पुलिस की टीम जुड़वानी जंगल पहुंची थी, जहां दोनों ओर से लगभग 1 घंटे तक फायरिंग हुई। इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। रविंद्र गंजू के दस्ते को तीनों ओर से घेरने का प्रयास पुलिस ने किया, लेकिन अंधेरे और घने जंगल की आड़ में वह छुपकर भागने में सफल रहा। थानेदार ने कहा कि रविंद्र गंजू अपने साथियों के साथ सोशल पुलिसिंग के तहत आत्मसमर्पण कर दे, नहीं तो दोबारा मुठभेड़ हुई तो मारा जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक रविंद्र गंजू लाजिम अंसारी रंथू राव छोटू खेरवार मुनेश्वर खेरवार आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, तब तक माओवादियों के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा। पुलिस ने रविंद्र गंजू और दूसरे नक्सलियों की तलाश के लिए पहली बार ड्रोन कैमरे का भी उपयोग किया है। हालांकि पुलिस नक्सलियों के नज़दीक तक पहुंच गई थी, लेकिन अंधेरा और घना जंगल नक्सलियों के लिए कवच बन गया और वह भागने में सफल रहे। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।